पर कोडरमा से सामने आ रही है, जहां गरीबों के बीच बांटे जाने वाला अनाज बारिश में भीग गया। जी हाँ, कोडरमा के पिपराडी का ये मामला है, जहां रैक पॉइंट पर गरीबों के बीच बांटे जाने वाला गेहूं का रैक बारिश में भीग गया। दरअसल पिपराडी रैक पॉइंट पर शेड नहीं है, जिसकी वजह से बारिश में अनाज गीला हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जाहिर की थी, तब अनाज को बारिश से बचाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? हालांकि जब अनाज भीगने लगा, तब माफ कीजिएगा, FCI के ठेकेदारों ने गेहूं की बोरी को त्रिपाल से ढकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक गेहूं की बोरियां पूरी तरीके से भीग चुकी थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी बारिश के कारण ये अनाज बारिश में भीग गया है, जो कि गरीबों के बीच बांटा जाना था। मौसम विभाग के द्वारा बारिश की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि जब बारिश शुरू हुई, तब त्रिपाल से ढकने की सी कोशिश की गई, लेकिन तब तक अनाज पहले ही भीग चुका था। तो ये बड़ी मात्रा में अनाज की बर्बादी देखने को मिली है। कोडरमा से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर FCI के ठेकेदारों ने गेहूं के बोरों को त्रिपाल से तो ढका है, लेकिन ये इतनी भारी बारिश में काफी नहीं है। तो कई ऐसे लापरवाही के मामले सामने आते रहे हैं। इससे पहले भी राशन कार्ड के द्वारा जो अनाज मिलता है लोगों को, उसमें भी काफ़ी कटौती की गई है। और अब इस तरीके से अगर अनाज की बर्बादी होती है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर उन कार्ड धारकों पर ही पड़ता है। कोडरमा की पिपराडी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रैक पॉइंट पर जो गेहूं रखा है वो बारिश से भीग गया है। तस्वीरों में ये भी साफ देखा जा सकता है कि रैक पॉइंट पर कोई शेड नहीं बना हुआ है। बारिश की संभावना को देखने के बावजूद कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। और नतीजतन भारी मात्रा में जो अनाज है बोरियों में, वो बारिश में भीग गया है, खराब हो रहा है। और हमारे सहयोगी भोला शंकर तमाम जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भोला शंकर, तस्वीरें यहाँ कोडरमा से सामने आ रही है, बड़ी मात्रा में यहाँ कह सकते हैं अनाज जो है वो बर्बाद हो रहा है और बारिश के पानी में भीग रहा है। जी प्रभा, मैं आपको बता दूं कि जो गरीबों का निवाला है, सैकड़ों बोरा जो गेहूं था FCI का, वो कोडरमा पिपराडी रेलवे रैक पॉइंट पर भीगता रहा। हालांकि झारखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी था। ऐसे में जब कहीं ना कहीं इसमें ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है, जिस कारण से जो गरीबों का निवाला है, जो PDS के दुकानों द्वारा गरीबों को बांटा जाता है, FCI का सैकड़ों बोरा गेहूं यूं ही बारिश में भीग रहा है। हालांकि जो इस बारे में कोडरमा विधायक ने भी सवाल खड़ा किया है, उन्होंने साफ कहा कि सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से गरीबों का निवाला यहाँ पर बर्बाद हो रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, आंगनबाड़ी में बच्चों को पोषाहार नहीं मिल रहा है, तो कई ऐसे सवाल हैं जिस पर मीरा यादव ने सरकार को घेरा है। तो कहीं ना कहीं जो भी हो, ये पक्ष विपक्ष का ये अपना मामला है, लेकिन जिस तरह से गरीबों का निवाला बर्बाद बिल्कुल, ये जो है, लापरवाही हुई है भोला शंकर जी, इसको कैसे पूरा किया जाएगा? जी प्रभा, मैं दोबारा चाहूंगा अपना सवाल तो है। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो लापरवाही हुई है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में बोरियां दिख रही है जो बारिश में भींगी है, तो इसको पूरा कैसे किया जाएगा इस कमी को? हालांकि जब संवेदक से हम इस बारे में जानना चाहा, तो संवेदक ने कहा कि ये FCI का जो गेहूं था वो पिपराडी रैक पॉइंट पर उतारा गया था। लेकिन आपको हम बता दें, पिपराडी जो रैक पॉइंट है वहां पर शेड की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में रेलवे का एक जो FCI का गेहूं उतरा था वो खुले आसमान के नीचे उतारा गया था। ऐसे में तो बारिश लगातार होती रही, और हालांकि जो संवेदक है उसने ढकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक जो है गेहूं की कई बोरियां जो है वो पूरी तरह से पिंक चुकी थी। तो कहीं ना कहीं
उसमें संवेदक की लापरवाही कह सकते हैं, जब से मालूम था कि बारिश हो रही है, ऐसे में खदान खुले आसमान के नीचे नहीं उतरवाना चाहिए था, और अगर उतरवाना भी चाहिए था तो उसकी मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए थी कि वो एक चाहे गोदाम तक पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें संवेदक की लापरवाही साफ तौर पर दिख रही थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भोला शंकर तमाम जानकारियों के लिए।